स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे अस्तरदार ब्लाउज़ की कटिंग। तो यहाँ पे इस तरह से हमने अस्तर को बिछाया है और अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई 14 इंच है, इसमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे शोल्डर हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे आर्म होल का निशान 5.5 इंच पे लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम निशान को लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट का नाप लगाएंगे। चेस्ट 34 इंच है, इसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 36 इंच आएगा। 36 का चौथा भाग 9 इंच आएगा, तो 9 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और यहाँ पे 2 इंच मार्जिन लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम वेस्ट का नाप लगाएंगे। वेस्ट 28 इंच है, 2 इंच प्लस करेंगे 30 इंच आएगा। 30 का चौथा भाग 7.5 इंच, 1 इंच डॉट प्लस करेंगे तो 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। 2 इंच मार्जिन लेंगे यहाँ पे। अब हम स्केल से इस तरह से लाइन खींच देंगे, ये देखिए। अब हम यहाँ पे आर्म होल का गोलाई देंगे, तो इसका हम यहाँ पे आधा करेंगे। अब फ्रेंच कर्व लेंगे और इस तरह से शेप देंगे। इस तरह से यहाँ पे शेप देंगे आर्म होल का, ये देखिए। अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे कटिंग कर लेना है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से अस्तर को लेंगे और इस तरह से रखेंगे यहाँ पे, इसे अपनी साइड कर लेंगे, ये देखिए। अच्छे से यहाँ पे हम बैक पार्ट्स को रखेंगे और इस तरह से अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे जो किनारी है, इस तरह से। यहाँ पे 1 इंच हमें बढ़ाना है, तो इस तरह से 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे और स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे भी लाइन को मिलाएंगे। इस तरह से यहाँ पे लाइन को मिलाएंगे इस तरह से, ये देखिए। इस तरह से मिलाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें मिला देना है। अब यहाँ पे हम 0.5 इंच अंदर की साइड लेंगे फ्रंट की शेप देने के लिए, इससे हमारा आर्म होल में झोल नहीं मारता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे शेप देंगे और 2.5 इंच यहाँ पे हम गले की चौड़ाई ले रहे हैं और 6 इंच यहाँ पे हम लंबाई लेंगे गले की।
तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अब हम बेल्ट को भी कटिंग करके अलग कर लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को।